geometric formula with percentage and log system. इसमें हम क्या करेंगे, if के फॉर्मूले का यूज करेंगे जिसके जरिए से हम ये जानेंगे, जैसे मान लीजिए ये सेल्स पर्सन है और ये इन्होंने सेल्स की है और इनका हम कमीशन निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक स्लैब दिया है जिसमें अगर कोई पर्सन 1000 से ज़्यादा की सेल करता है तो उसको जितनी सेल की जाएगा उसका 20% दिया जाएगा, और यदि कोई पर्सन 700 रुपये से ज़्यादा की सेल करता है तो उसको 12% दिया जाएगा, और यदि कोई पर्सन 400 रुपये से ज़्यादा की सेल करता है तो उसको 8% दिया जाएगा, और अगर इससे भी नीचे होता है तो इफ लेस देन 400 कमीशन इज 5%। ठीक है, तो हम चलते हैं फॉर्मूला शुरू करते हैं। बराबर इफ ब्रैकेट, सबसे पहले पूछा इसमें हमारा लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा कि ये वाला सेल मोर देन बड़ा है इस वाले सेल से कॉमा। इसमें हमारी कंडीशन ये है, यदि ये वाला सेल बड़ा है इस वाले सेल से कॉमा ये वाले सेल की गुणा हो जाए 20%, तो ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट और ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ट्रू कॉमा। अब बोला है वैल्यू ऑफ फॉल्स, वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमें क्या करना है, फॉर्मूले को रिपीट करना है, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, एक से ज्यादा हमने लॉजिकल टेस्ट लेना। तो इफ ब्रैकेट ये वाला सेल मोर देन इस वाले सेल कॉमा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला सेल इससे बड़ा हुआ तो हम चाह रहे हैं इसकी गुणा इससे हो जाए, यानी इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो इस वैल्यू का इतना परसेंट निकल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू गुणा 12% कॉमा इफ ब्रैकेट ये वाला सेल मोर देन ये वाला सेल, ये वाला सेल बड़ा है इस सेल से कॉमा इस सेल की गुणा हो जाए इस सेल। ये हमारा टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट ये हुआ लॉजिकल टेस्ट, उसका आंसर ये हुआ वैल्यू इज ट्रू। फिर लॉजिकल टेस्ट ये हुआ वैल्यू इज ट्रू, लॉजिकल टेस्ट ये हुआ और वैल्यू इज ट्रू, और यदि इन सब में से भी नहीं आता है तो वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा आपका, जैसे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हमने क्या दिया था यहाँ इफ लेस देन 400 कमीशन इज 5% गुणा 5% ब्रैकेट 1 2 3। तो ये देखिएगा आप कि इसमें जो हमारा है कमीशन निकल के आ गया 256। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसको ड्रैग करेंगे, अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो क्या है यहाँ पे वैल्यू में इसने एरर दे दिया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लॉक सिस्टम यूज करेंगे। लॉक सिस्टम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है जब हमने यहाँ पर D8 लिया था और यहाँ पे D16 से किया था हमने, इसमें क्या है जैसे ये आगे आया D9 आया उसी की तरह D17 भी आ गया, C17 भी आ गया, C18 आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे इसको लॉक करेंगे, तो इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लॉक किस किस को करेंगे, जैसे कि C16 C17 D16 D17 ठीक है, अब इसको पकड़ के हम यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हमारे ये हमारा यहाँ पे ये उनका सब परमिशन निकल जाएगा। अब हम चाह रहे हैं ये सब राउंड फिगर में आ जाए, जैसे 1450%, तो इसको हम राउंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही, और पहले देखते हैं इसको, ये आपको पसंद आया नहीं आया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे इसके फॉर्मूले देखेंगे।